हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग इजी साइंस क्लासेस। सो लेट अस डिस्कस आर थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है आपका? फाइबर टू फैब्रिक, एनिमल फाइबर्स। तो आपने सिक्स क्लास में देखा होगा, सिक्स क्लास में थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, फाइबर्स टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब क्या होता है आपका? रेशा। और फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़े। तो आपने देखे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक देखे होंगे वहाँ पर, ये कौन कौन से फैब्रिक आपके प्लांट से मिलते हैं, कौन कौन से फैब्रिक आपके एनिमल से मिलते हैं। फिर आपने देखा होगा कॉटन के बारे में पढ़ा होगा, जूट के बारे में पढ़ा होगा। आज हम इस चैप्टर में सेवन्थ क्लास में एनिमल फाइबर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल से हम रेशों को लेते हैं, फिर क्या कौन कौन से कपड़े बनाते हैं। देन आफ्टर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग दी क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कैसे हो सकते हैं? पर्टिकुलर क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक विंटर में और आपके समर में। तो कुछ टर्म्स हैं वो आपका जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट टर्म बोलता है शीयरिंग क्या होती है। यह आपने सिक्स क्लास में देखा होगा, शीयरिंग। शीयरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके तहत हम क्या करते हैं, जो शीप होती है, ठीक है, जो भेड़ होती है, उसकी खाल से क्या निकालते हैं, वो वूल निकालते हैं, ऊन निकालते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शीयरिंग। द रिमूवल ऑफ वूल अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर होता है सिल्क मौत का पालना, जैसे एपीकल्चर हुआ, पिसी कल्चर हुआ, ठीक है। एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, हनी बीज को पालते हैं, ऐसे ही सेरीकल्चर में हम सिल्क मौत, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसको हम पालते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेशम के यार्न देता है, ये रेशम के हमें धागे देता है, जिसके द्वारा हम रेशम के कपड़े बनाते हैं। फिब्रोनिन क्या होता है? फिब्रिन एक फ्लूइड होता है, ठीक है। कैसा होता है? फ्लूइड होता है, एक पदार्थ होता है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? कैटरपिलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कैटरपिलर। उस फिब्रोनिन से हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। रीलिंग क्या होता है? रीलिंग एक प्रोसेस होती है कैकून से सिल्क फाइबर को लेना। कैकून एक कीड़ा होता है और उसके उससे क्या मिलता है हमें? सिल्क फाइबर मिलते हैं, रेशम के कपड़े, रेशम के धागे हमको उससे मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल फाइबर्स। तो इनका नाम एनिमल फाइबर्स क्यों पड़ा? सबसे पहली बात, वूल और जो सिल्क है उनका नाम एनिमल फाइबर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा, हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग द क्लॉथिंग मटेरियल। आपको पता है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके जो बाल हैं वो कपड़े बनाने के काम में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वूल हुआ, सिल्क हुआ, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर्स मिलते हैं, बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अस एनिमल। तो फर्स्ट है आपका वूल, ठीक है। देखो, सबसे पहले वूल इज़ कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ, कहाँ कहाँ से मिलता है? शीप, गोट, याक, रैबिट और कैमल। तो दीज एनिमल्स आर देयर फॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल, यानी कि इन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? वूल यील्डिंग एनिमल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दे रहे हैं? ऊन दे रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, जितने भी ये एनिमल हैं उन सब की खाल पे बाल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो वूल फाइबर्स हैं वो हाईली, बहुत पोरस का मतलब होता है छन्नीदार, ठीक है। उनमें क्या होता है कि उनमें पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं कि जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते। अब वो जब बाहर नहीं जाने देंगे तो जो वो एनिमल्स हैं विंटर के टाइम कैसे रहते हैं? गर्म रहते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं अपने आप को। वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग द विंटर क्लॉथिंग। और वूल किस काम में आती है? विंटर के कपड़े बनाने में, यानी कि जाड़ों के कपड़े बनाने, जो जाड़े के सर्दी वाले कपड़े होते हैं, जैसे आपकी जैकेट हुई, मफलर हुआ, ठीक है, वो सब किससे बनते हैं? वूल से बनते हैं। दूसरी बात, जो वूल होती है, वूल और कॉटन में क्या डिफरेंस है? जो ऊन होती है और सूती कपड़े होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? उनमें डिफरेंस यही है कि जो वूल है वो आपकी प्रोटीन से मिलके बनी होती है, प्रोटीन फाइबर होती है, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी कॉटन है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सबसे बड़ा अंतर यह है कि अगर आप कोई ऊनी कपड़े को जलाते हो तो उसमें से स्मेल आती है, और जबकि आप सूती कपड़ा जलाते हो तो उसमें से स्मेल नहीं आती। तो वो जो स्मेल है वो प्रोटीन की स्मेल है, ठीक है। वूल किससे बन के बनी है? प्रोटीन से बनी है। तो आप जब भी कोई प्रोटीन को जलाओगे तो स्मेल आएगी। और कॉटन को जलाने से स्मेल क्यों नहीं आती है? क्योंकि कॉटन किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जब जलाते तो स्मेल नहीं आती। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमें वूल देते हैं, ऊन देते हैं? शीप, गोट, याक, कैमल, रैबिट, लेमा और अल्पेका, ठीक है, ये नाम याद कर लेना।
नाउ द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड ऑन द ब्रीड ऑफ शीप. तो जो वूल की क्वालिटी है, जो ऊन की क्वालिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है कि किस नस्ल की आपकी भीड़ है. भीड़ भी बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है. अब कैसे हम क्वालिटी पता करेंगे कि उसकी थिकनेस कैसी है, लंबाई कितनी है, चमकदार है कि नहीं है, मजबूत है या नहीं है, कलर कैसा है. तो एक टाइप है पाशमीना. पाशमीना बहुत फाइन है, फ्लफी है, लाइट और वार्म वूल है. किससे, कहाँ से मिलती है, मैं कश्मीर से मिलती है, ठीक है. और कौन सी मतलब शीप से मिलती है या गोट से मिलती है, तो ये हमको कश्मीरी गोट से मिलती है, ठीक है. जो कश्मीरी बकरी होती है वहाँ से हमें कौन सी वूल मिलती है, पाशमीना. तो ये याद रखनी है. कुछ इंडियन शीप में जैसे बकवार हुई, बकरवाल हुई, लोही हुई, नाली हुई, रामपुर बशहर हुई, पतनवाड़ी, मारवाड़ी, तो ये क्वालिटी कैसी है बकरवाल की. वूलन शॉल, जितनी भी शॉल होती हैं जो जाड़ों में उड़ते हैं, तो वो कौन सी ब्रीड से बनती है, बकरवाल की से. सुपरियर वॉल, कारपेट वूल, ब्राउन फ्लीस, हॉजरी, कोर्स वूल, ये सब क्या है, क्वालिटी है वूल की. अगर तुमसे कोई पूछता है कि राइट डाउन दी 5 क्वालिटीज ऑफ वूल, तो आप इनको लिख सकते हो. और ये कहाँ से मिलती हैं, जैसे वूल एंड शॉल कहाँ से मिलती है, कौन सी सीप से मिलती है, बकरवाल, ठीक है. पतनवाड़ी से क्या मिलता है, हॉजरी. तो ये सब टाइप्स हैं वूल के. ये दिख रहा है आपको शीप या कैसी होती है, गोट, अंगोरा गोट कैसी होती है, कैमल कैसा होता है, फिर बैक्टीरियन कैमल कैसा होता है, लेमा, अल्पेका, अंगोरा रैबिट, कश्मीरी गोट. तो ये सब क्या है, दीज आर द सम वूल यील्डिंग एनिमल. तो अब बात आती है फ्रॉम फाइबर टू वूल. तो कब, मतलब कि आपके जो फाइबर्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वूल से बनने हैं, ठीक है. तो कैसे बनने हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, तो सब कुछ पढ़ना. इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ वूल फ्रॉम द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल टू फाइनल फिनिश्ड वूल. तो इस वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे पूरी जर्नी कि एक कपड़ा वूल से किस तरह से बनता है, कैसे हम इन शीप को रखते हैं, इनको पालते हैं, ठीक है. तो ये देखेंगे हम. गेटिंग वूल फ्रॉम फाइबर टू शीप जनरली इनटू फॉलोइंग स्टेप्स में होती है. कितने स्टेप्स में होती है, 7 स्टेप में. सबसे पहला रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, पालना. उसके बाद है शीयरिंग. शीयरिंग अभी बताया कि उनकी खाल से उस वूल को निकाल देना. फिर वॉशिंग एंड और स्टोरिंग. फिर सॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग और स्पिनिंग एंड वीविंग. तो इन 7 स्टेप्स को हम पढ़ेंगे वन बाई वन. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. तो जैसा आप सबको पता है शीप कैसी है, हर्बीवोरस है. किसको खाती है ज़्यादा, लीव्स को खाती है, ग्रास को खाती है. अब वूल चाहिए हमें. वूल कैसी है, प्रोटीन है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में शीप को क्या खिलाना चाहिए, प्रोटीन खिलानी चाहिए, ठीक है, जिससे अच्छी क्वालिटी की वूल निकले. तो हम क्या खिलाते हैं उसको, शीप्स सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक. शीप फीड ऑन सच डाइट डेवलप अ गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर. तो अगर हम जो हमारी भेड़ बकरियां हैं, उनको अगर हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा अच्छी से डाइट देंगे, तो उनकी जो खाल होगी वो अच्छी होगी, सुंदर होगी, वूल भी अच्छी आएगी, ठीक है. क्वालिटी पे डिपेंड होता है. यानी कि जो अच्छी वाली भेड़ें होती हैं, उनको हम अच्छे से सेलेक्ट करते हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग कराते हैं पेरेंट्स के साथ. फिर जब डिज़ायर्ड करेक्टर्स आ जाते हैं, डिज़ायर्ड करेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अच्छी वाली वूल, ठीक है. तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि जो शीप्स होती हैं वो क्यों पाली जाती हैं, वूल के लिए पाली जाती हैं, ठीक है. व्हेन द रियर शीप डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, दे आर शेव्ड ऑफ. तो जब शीप के ऊपर अच्छी सी परत चढ़ जाती है हेयर्स की, तब क्या कर लेते हैं, शेविंग कर लेते हैं. उसको क्या बोलते हैं, शीयरिंग बोलते हैं. शीयरिंग किसको बोलते हैं, जैसे शेव करना, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ना, ये द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ अ शीप बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीश अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शीयरिंग. यानी कि वूल का निकालना. अब ये किससे निकालते हैं, हेयर कटिंग मशीन से निकाल सकते हैं, ठीक है. और ये जनरली कब की जाती है, जब समर टाइम होता है. क्या, जब समर टाइम होता है. और जैसे ही आप वूल को निकाल लो, तो जो शीप होती है उसको हम किस में डुबा देते हैं, एंटीसेप्टिक तालाब में डुबा देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसकी स्किन में इन्फेक्शन नहीं होगा. उसके बाद आता है वॉशिंग और स्कोरिंग. वॉशिंग और स्कोरिंग में क्या होता है कि जो आपने वो स्किन निकाली है फर्स्ट स्टेप में हेयर के साथ, उसको हम कंटिन्यूसली सोप सॉल्यूशन के अंदर धोते हैं, वॉश करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि उसको उसमें से डाइट निकल जाए, धूल निकल जाए, मिट्टी निकल जाए, ठीक है.
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कॉरिंग बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्रीस डाइट और डस्ट फ्रॉम द हेयर, बालों में से धूल का निकलना, गंदगी का निकलना, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। आजकल जो स्कोरिंग है वो मशीन से की जाती है। स्कोर करने के बाद जो बाल होते हैं उनको क्या करना, सुखाते हैं हम। उसके बाद होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है कि जो सूखे वाले हेयर्स होते हैं ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर देन सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड आउट का मतलब होता है अलग अलग रखना, ठीक है, अलग अलग करना। तो जो हेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं उस वूल में, अलग अलग टेक्सचर्स के हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, एक टेक्सचर्स के वूल होंगे उसको अलग साइड में रखेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे ही हम क्या करते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, बुर बोलते हैं, ठीक है, बुर बोलते हैं, बर बोल दो, एक ही बात है। फिर बात आती है कार्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाई विच सेलेक्टेड कर्ली वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटेड बाई पासिंग थ्रू रोलर्स। तो जो सेलेक्टेड जो हमने पहले वाले स्टेप्स में डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के वूल जो इकट्ठा किए हैं, उन वूल्स को हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। कैसे करते हैं, एक रोलर मशीन होती है जिसके थ्रू हम उसको पास करवाते हैं, फिर वो क्या हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट होने के बाद उनमें हम डाई लगाते हैं, यानी कि अपनी चॉइस के हिसाब से कि हमें इसको ब्लू कलर देना है या फिर वाइट कलर देना है या फिर पर्पल कलर देना है, ठीक है। जैसे आप देखा होगा जैकेट बहुत टाइप्स की होते हैं, कोई पर्पल कोई ब्लैक, तो वो डाइंग में आती है, यानी कि कलर करना, अपनी चॉइस के हिसाब से कलर देते हैं। फिर होते हैं स्पिनिंग और वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग में क्या होता है कि लंबे लंबे थ्रेड्स बनाते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स बनाते हैं, लंबे लंबे धागे बनाते हैं उन जो वूल है जिसको हमने कलर कर रखा है, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, धागे बन जाते हैं, वूल फाइबर्स कहलाती हैं हमको। तो ये पूरा स्टेप्स था आपका, ये जो सो नाउ यू नो, ये आपको पढ़ना है और समझना है कि क्या क्या बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। देन ये जो ओरल क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने कॉपी में सॉल्व करने हैं, जो नहीं आता उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे सिल्क क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुँचा देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों, तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।